बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल बिस्मा टिप्स एंड व्लॉग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आज बना रही हूँ भुनी चना चाट, जिसके लिए मेरे पास मौजूद है 1/2 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून जीरा, थोड़ी सी धनिया मौजूद है, 1 टेबल स्पून में हरी मिर्चें मौजूद है। यहाँ पे मैंने एक बड़ा साइज़ का प्याज ले लिया है, उसे चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक टमाटर ले लिया, उसको भी चॉप कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास मसाले मौजूद हैं, आप लोग मसाले अपने हिसाब से ले सकते हो। चाट मसाला है, ज़ीरा है, नमक है और लाल मिर्च है। तो ये बनाना बहुत ही आसान है, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और ये मैंने रात को चने भिगो दिए थे बेकिंग सोडा डाल के, सुबह मैं नमक में इसको उबाल लिया है। तो आप लोग भी ऐसे ही कर लीजिएगा और चनों को काफ़ी अच्छे तरीके से गला लीजिएगा, ताकि मुँह में जाते ही घुल जाएँ। चने की चाट जो होती है उसमें नरम ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसे गरम कर लेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे हम सबसे पहले ज़ीरा और अजवाइन शामिल करेंगे, इन्हें थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे ऑयल के अंदर। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड कर लेंगे अपना, इसे भी हमने गुलाबी रंग देना है। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, प्यारा सा रंग देना है गुलाबी। यहाँ पे हमारी प्याज का बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है गुलाबी। अब इसके अंदर हम हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे और इसे भी अच्छे तरीके से थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसके अंदर चने ऐड कर लेंगे और इन्हें भी अच्छे तरीके से भून लेंगे, क्योंकि उबले हुए तो हैं ही ये। यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून हम लोग इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, ताकि हम जब मसाला डालें तो मसाला जले ना, थोड़ा सा लिक्विड टाइप होना चाहिए। अब यहाँ पे हम अपने मसाले ऐड कर लेंगे और मसालों के साथ भी चनों को अच्छे तरीके से भून लेंगे, ताकि मसाला चनों में रच बस जाए। अब यहाँ पे हम अपने टमाटर ऐड कर लेते हैं और टमाटर को भी भून लेते हैं। तो हमारी भुनी चाट मसाला जो है बनके तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर हम धनिया का गार्निशिंग कर लेंगे और सर्व कर लेंगे। आप लोग आलू भी उबाल के इसके अंदर डाल सकते हो। बहुत ही लजीज है, बहुत ही झटपट बन जाने वाली है, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे, बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं, और इफ्तार में तो बहुत ही अच्छा लगता है चना चाट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनों के साथ, ताकि वो भी इस तरह की चाट बना के बड़ों से दुआएं ले सकें और छोटों से प्यार ले सकें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।